हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं यानी कि रात के लिए मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बीन्स, गाजर्स और यहाँ पे प्याज को मैंने यहाँ पे डाल के जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग गाजर्स, बीन्स और अंडा का सब्ज़ी, दाल का सब्ज़ी बनाने वाले हैं। मिक्स सब्जी यहाँ पे बनने वाला है जो बहुत ही टेस्टी यानी आपका बनने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ मैं भून रहा हूँ, हल्का सा फ्राई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है दाल डालेंगे। दाल मैंने यहाँ पे आपका लिया हूँ, यहाँ पे मसूर दाल और रहर दाल वो मिक्स यानी कि यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाल के हम लोग हल्का से यहाँ पे फ्राई करेंगे। फिर थोड़ा सा आप चलाते रहिए, देख सकते हैं मैंने इसको चला लिया हूँ। और यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं हल्दी, नमक और जितना भी मसाला यानी कि ऐड करना चाहेंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ मसाला नहीं डालना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा यानी कि हल्का मसाला आपको यहाँ पर डालना है, तो हल्का डालेंगे और तो आपका जो सब्ज़ी जो है ज़्यादा टेस्टी यानी कि बनने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मसाला को भूनेंगे। मसाला भून के आप यहाँ पे हम अपना जो है यानी कि चलाते रहेंगे हल्का, ताकि मेरा सब्जी जो है जले नहीं। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ आप भुना गया है हमारा जो है सब्जी। फिर यहाँ हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैं पानी ऐड कर चुका हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग चलाते हैं। फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पे किसी चीज़ से यानी कि ढक देना है आपको, तो ताकि दाल जो है जल्दी आपका पक जाए। आप यहाँ पे आपके अनुसार यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, तो मैंने कि दाल गले जिस गल जाए उसके अनुसार आप यहाँ पानी डालिए। तो यहाँ ढक दिया हूँ, देख सकते हैं आप आपका दाल जो है बॉईल हो रहा है बढ़िया से, आपका यहाँ पे बॉईल हो चुका है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग अपना यानी कि अंडा ऐड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं ऐड कर चुका हूँ। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक बार यानी कि यहाँ पे हम लोग ढक्कन मार के जो है 20 से 25 मिनट तक के लिए हम लोग यहाँ पे बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सब्जी जो है बन चुका है, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी यहाँ पे देख सकते हैं बन गया है। आप इसको खाना के साथ या रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।